इसकी ट्रांसलेशन कर ली थी, मैंने ऐसे कहा था हम इसके करेंगे कॉम्प्रिहेंशन रिटन। आज हमारा जो टॉपिक है वो कॉम्प्रिहेंशन रिटन है, और पेज नंबर आपका बुक से देख लीजिए घर से भी, पेज नंबर 9 पे क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल वाज महमूर, महमूर कैसी लड़की थी। महमूर वाज अ सिंपल यंग गर्ल, महमूर एक सादा सी और बड़ी ही सिंपल सी लड़की थी, यानी कि हमने पढ़ा था कि वो बहुत ही साफ दिल और अच्छी लड़की थी। सो आंसर दैट महमूर वाज अ सिंपल यंग गर्ल। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड शी लाइक ऑन द अदर साइड ऑफ द हे, उसको पहाड़ के दूसरी तरफ क्या चीज अच्छी लगी थी। हमने पढ़ा था लेसन में कि जब वो सुबह के वक्त घर से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि पहाड़ के दूसरी तरफ एक खूबसूरत सा घर जो है वो चमक रहा है, ठीक है, एक शैडो सा नजर आता है, लेकिन उसे लगता है कि वो गार्ड है। आंसर है महनूर लाइक द हाउस ऑन द अदर साइड ऑफ द हिल, महनूर को पहाड़ के दूसरी तरफ जो घर था वो बहुत अच्छा लगा था। सो आंसर है महनूर लाइक द हाउस ऑन द अदर साइड ऑफ द हिल, महनूर लाइक द हाउस ऑन द अदर साइड ऑफ द हिल। क्वेश्चन नंबर 3 है, What was special about the house? उस घर में खास बात क्या थी? ठीक है, हमने पढ़ा था कि वो घर जो है जब उस पे सूरज की श्वाएं पड़ती हैं तो वो चमकता है लाइक अ गोल्डन नेकलेस, और जो उसके विंडोज और डोर्स थे वो ऐसे लगता था जैसे शाइनिंग डायमंड्स होते हैं। सो क्वेश्चन क्या है, What was special about the house? कि उस घर की खास बात क्या थी? आंसर है The house looked like a golden necklace with doors and windows like shining diamonds. The house looked like a golden necklace. घर जो है वो बिल्कुल एक सोने के हार की तरह लगता था, with doors and windows like shining diamonds. उसके जो खिड़कियां और दरवाजे थे वो एक चमकते हीरे की तरह नजर आ रहे थे। आंसर फिर से पढ़ते हैं, The house looked like a golden necklace with doors and windows like shining diamonds. ये 3 क्वेश्चन हैं जिनको आपने अपने रजिस्टर पे नोट भी करना है अच्छे से, विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 विद आंसर, और साथ में आपने इन तीनों को लर्न भी करना है। ये आपका होमवर्क भी है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।